बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه ولا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख़्र मौजूदात साहिब लौलाक मालिक रिकाब उमम साहिब जूद व करम रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख़्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह करम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात गिरामी, आज 22 जुमादल उखरा, आज ही की इस तारीख में अफजलुल बशर बादल अंबियाई की तहकीक सिद्दीक अतीक सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल मुबारक की तारीख है। इसी मुनासिबत से कुरान पाक की उस आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, वो वक्त याद करो, अल्लाह पाक फरमा रहा है वो वक्त याद करो। तो मालूम हुआ बुजुर्गों की याद मनाना हुक्म खुदाबंदी है। लोग कहते हैं याद क्यों मना रहे हैं, उनकी क्या तस्करा कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जहां जहां व इज, कुरान में व इज है ना, व इज, व इज कौल रब्बु का, व इज कौल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, जहां जहां व इज का लफ्ज है उससे मुराद वज़कुर, वो वक्त याद करो। तो अल्लाह ताला ही के हुक्म की रोशनी में हम उस वाकये को याद कर रहे हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था। वो वक्त याद करो, इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जबकि उनके उन्होंने अपने साथी से कहा, साहिब से कहा, ला तहज़न, मत अंदेशा करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये गारे सौर के मौके पर जहां सरकार मदीना अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, ये इस आयत में उस वाकये का पस मंजर है। क्योंकि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के दुश्मन बहुत थे, मक्के में बहुत दुश्मन थे। अब दुश्मनी जब ज्यादा हो जाती है, इंतहा को पहुंचती है, तो आदमी
یہ منصوبہ بناتا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کر رہا اس کو ختم ہی کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو مکے کے کافروں نے ایک میٹنگ کی دار الندوہ میں، کیا نام تھا اس کا؟ دار الندوہ۔ ان وہابیوں نے بھی اپنے مدرسے کا نام ندوہ رکھا، ندوہ۔ وہ کافروں کی میٹنگ ہوتی تھی اڈے میں، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ وہ لکھنؤ میں ایک مدرسہ ہے وہابیوں کا، اس کا نام ہے دار الندوہ، ندوۃ العلماء، سمجھے آپ؟ تو ندوہ سے نسبت دیکھیے آپ ذرا، یعنی جہاں کافر بیٹھ کر حضور کے خلاف سازشیں رکھتے تھے اس کو ندوہ بولتے ہیں، دار الندوہ۔ یہ بھی وہی نام رکھے ہیں، نسبت بتا رہے ہیں اپنی، کہاں سے نسبت ہے ہماری، ہے نا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اب یہ مدرسہ اور ہے ان کا دیوبند، دار العلوم دیوبند، بہت بڑا نامی گرامی مدرسہ ہے، دار العلوم دیوبند، دیوبند۔ تو جو چیز کو جہاں آپ بند کریں گے، جب کھولیں گے تو کیا نکلیں گا؟ جو بند ہے وہی تو نکلیں گا۔ جب دیوبند ہے، جب دروازہ کھولیں گا دیوبند کا، تو کیا نکلیں گا اندر سے؟ دیو ہی تو نکلیں گا۔ ادھر ندوہ ہے، ادھر دیوبند ہے۔ الحمدللہ اعلی حضرت کے مدرسے کا نام منظر اصلاح ہے، منظر اصلاح۔ حضور مفتی اعظم سرکار کا مدرسہ مظہر اصلاح، منظر اصلاح، مظہر اصلاح۔ اور حضور تاج الشریعہ کا جامع طیبۃ الرضا، کتنے اچھے نام ہیں نا۔ ہمارے ہی مدرسے کا نام ہے دار العلوم فیض رضا۔ آدمی کو جہاں سے محبت ہوتی ہے اکثر وہی نام رکھا کرتا ہے۔ اب جن کو دیووں سے محبت تھی دیو کا نام رکھ لیے، جن کو کافروں کے اڈے سے محبت تھی مکے کے دار الندوہ سے، ندوہ نام رکھ لیا۔ ہم کو رضا سے محبت ہے اس لیے فیض رضا نام رکھا۔ محترم حضرات، تو دار الندوہ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ختم کر دینا، شہید کر دینا ہے۔ تو عرب کے جتنے قبیلے تھے، ہر قبیلے کے نوجوان بچوں کو چنا گیا، پورے قبائل۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ اگر بدلہ لینے کی بات بھی ہو جائے، حضور معاذ اللہ شہید ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اگر حضور کے چاہنے والے بدلہ لینا چاہیں مارنے والوں سے، کون مارا اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو پورے عرب کے قبیلوں کے نوجوانوں کو جمع کیا تھا، ہر قبیلے کے نوجوان تھے، اور بہت سے قبیلے عرب میں۔ جب اتنے سارے قبیلے ایک ساتھ جمع ہیں تو اب ان سارے قبیلے والوں سے کون لڑے گا؟ مقابلے کی جب بات آئیں گی، بدلہ لینے کی بات آئیں گی، تو لوگ ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہر قبیلے سے چند نوجوانوں کو منتخب کیا گیا حضور کو معاذ اللہ تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ حکمت تھی اس کے اندر، کیسے کیسے دماغ رہتے، شیطانی دماغ۔ بہرحال تلواریں ننگی لیے کھڑے ہیں سب چاروں طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، محبوب اٹھو، اب ہجرت کر لو۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے جانے والے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلے تو چو طرف تلواریں چمک رہی ہیں،
हुजूर पाक अलैहि सलाम ने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा, अल्लाह पाक इनके आगे दीवार खड़ी कर दिया, इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दिया, फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, और इनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए कि नजर नहीं आता, देखते नहीं। ये आयत पढ़कर हुजूर ने कंकरियां मुट्ठी में पकड़ी और काफिरों की तरफ उछाल दिया, सब अंधे हो गए, उनकी आंखों की बीनाई सल्ब हो गई थोड़ी देर के लिए, जब नजर नहीं आ रहा है तो हमले की क्या बात है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम उन काफिरों के बीच में से बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ निकलकर तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर गए, यारे गारे मुस्तफा है, वफादारे मुस्तफा है, सिद्दीक अतीक है रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, घर पर गए, कहा अबू बकर चलो मेरे साथ हिजरत करनी है। मैं बिला तामुल फौरन राजी हो गए, भाई आदमी अगर वतन छोड़ने के लिए बोल रहा है, भाई हैदराबाद छोड़ दो चलो मेरे साथ आप, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचने पड़ जाते हैं क्यों छोड़ो बोल रहे हैं मेरे को, आकर मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, हैदराबाद में पला, हैदराबाद में बड़ा हुआ, यहां बिजनेस किया, या मेरा मकान, या मेरी बीवी, या मेरे बच्चे, या मेरे मां बाप सब हैदराबाद में, मैं कहता छोड़ू हैदराबाद, आदमी सोचता है ना। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के के बाशिंदे हैं, मक्के ही में पैदा हुए, मक्के ही में पले, मक्के ही में बड़े, और मक्के के अशराफ खानदान में आपका शुमार होता था, यानी शरीफ खानदानों में आपका भी खानदान शरीफ, लोग आपके फैसलों का एहतराम करते थे, और जब तक फैसले पर आपकी दस्तखत नहीं हो जाती थी उस वक्त तक फैसला मुकम्मल नहीं माना जाता था। यह इज्जत आपको हासिल है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ज़ईफ़ वालिद है घर में, बूढ़े बाप है, जवान बच्चियां हैं घर में, और हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर चलो मुझे हुक्म हुआ है हिजरत करना है। जब घर में जवान बच्चियां हो, बूढ़ा बाप हो, तो आदमी क्या सोचता है, मैं बूढ़े बाप को छोड़ के कैसे आ जाऊं, जवान बच्चियां हैं कैसे छोड़कर आ जाऊं, सब सोचने पड़ता है आदमी, फैसला करने में वक्त लेता है। लेकिन सिद्दीक अकबर की मोहब्बत रसूल पर कुर्बान हो जाए हम सब कुर्बान, बिना किसी तवक्कुफ और तामुल के कहा लब्बैक सादैक या रसूल अल्लाह हाजिर हो चले सरकार। कुछ दौलत थी घर में, वो दौलत की थैली साथ रख लिया, कुछ जरूरत का सामान था वो ले लिया, हुजूर के साथ चल पड़े। अब गारे सौर पहुंचना है, ये पहाड़ है बहुत बुलंद पहाड़, जो लोग मक्का शरीफ गए हैं हज के लिए उमरा के लिए वो जानते हैं कि गारे सौर जो है वो पहाड़ पर है, जो पहाड़ बहुत ही बुलंद है, बहुत बड़ा पहाड़, वो अजीब गरीब किस्म का पहाड़ है, देखने से ही हैबतारी होती है वो पहाड़ को, वैसा पहाड़ है। और मक्का छोड़ना है, मक्के से बाहर निकलना है, वो पहाड़ का ही रास्ता था जाने का, पहाड़ चढ़ के ही जाना पड़ता था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। तो हुजूर के मुबारक कदमों पर वर्म आ गया, मुतवर्रिम हो गए पांव। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम आपके पैरों पर मैं वर्म देख रहा हूं सरकार, पैर फूल गए, सरकार अब आप चलने की जहमत ना करें, अब आप ना चले सरकार, अबू बकर के खांदे किस लिए, इन खांदों पे सरकार आप तशरीफ हो जाए फरमा हो जाइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने रजामंदी जाहिर कर दी। एक वो वक्त था जबकि सैयदना मौला अली
शेर खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला काबतुल्लाह के अंदर जब बुतों को निकाला जा रहा था, 360 थे ना अंदर बैठे हुए, बाबरी मस्जिद में तो तीन है, वह 360 थे। वक्त आने पर निकाला गया उनको, इंशाल्लाह इनको भी निकाला जाएगा। तो जब सरकार मदीना अलैहि सलाम सैयदना मौला अली को लेकर अंदर गए और बुतों को निकलवा रहे थे, तो कुछ बुत काबे की ऊपर की तरफ लगे थे, छत में, छत की तरफ, वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा था मौला अली का। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अली के खांदों पर आप सवार हो जाएं, मेरे आका आप अली के खांदों पर सवार हो जाएं, फिर इन ऊपर वाले बुतों को नीचे गिरा दें। सरकार ने फरमाया, अली मैं अल्लाह का नबी हूं, नबुव्वत का बोझ, नबुव्वत का बोझ तुम उठा लोगे, मैं अल्लाह का नबी हूं, देखने में तो इंसान नजर आता हूं लेकिन हूं अल्लाह का नबी, मेरा बोझ मेरा वजन तुम उठा पाओगे अली? नहीं, तुमसे नहीं होगा। ए अली तुम मेरे खानों पे खड़े हो जाओ। ये भी एक शरफ की बात है कि सरकार के नूरानी कंधों पर हजरत अली के कदम है। हजरत अली को खड़ा कर दिया, खड़े हो गए। जब हाथ उठाया बुतों को निकालने के लिए, निकाल दिया, नीचे उतर पड़े, तो लोगों ने कैफियत पूछी उस वक्त की, अरे अली जब आप हुजूर के कंधों पर सवार हुए थे, खड़े हुए थे, क्या महसूस कर रहे थे? तो सरकार मौला अली फरमाते हैं, कसम अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, जब मैं अपना हाथ उठाया था तो अर्शे अजीम तक पहुंच रहा था, अर्शे अजीम तक हाथ पहुंच रहा था मेरा। ये बुलंदी सरकार की है, हजरत अली को वहां तक पहुंचा दिया, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल बात मुख्तसर ये कि यहां पर सैयदना सिद्दीक अकबर ये फरमा रहे हैं, सरकार आप मेरे खांधों पर बैठ जाइए। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर तुम मेरा बोझ नहीं उठा पाओगे, हजरत अली से तो कहा था, लेकिन सिद्दीक अकबर से ये बात नहीं की सरकार ने, क्योंकि सरकार जानते हैं अबू बकर में वो ताकत है, वो कुव्वत है कि नबी का बोझ ये उठा पाएंगे। चुनाचे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम उनके कंधों पर सवार हो गए, अली सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के कंधों पर, तो हुजूर को लेकर चले। एक तो पहाड़ पे चढ़ना है, गौर कीजिए, जब ऊंचाई पे जब चढ़ना होता है तो खुद अकेला आदमी चढ़े तो काफी मेहनत का काम है, काफी तकलीफ का काम है, क्योंकि पैरों पर पूरी बॉडी का लोड और सिकले कशिश, जमीन की जो कशिश होती है आदमी को अपनी तरफ खींचती है ऐसा नीचे की तरफ, तो जब चढ़ता है आदमी को कशिश खींचती है उसको, ये ऊपर जा रहा है वो नीचे की जमीन उसको खींच रही है, तो डबल मेहनत का काम है। एक तो आम तरीके से जमीन पे चल रहे हैं आप, उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन जब चढ़ने का मामला हो तो तकलीफ होती है। तो खुद का वजन और नबी का बोझ सिद्दीक अकबर के खांधों पर है। 9 किलोमीटर तक आप लेकर चले सरकार को, जो 3 मील का जिक्र आया, 3 मील चले तो 3 मील के 9 किलोमीटर होते हैं। यहां पे चार मीनार वाले बन 6-7 किलोमीटर होगा, कितनी दूर है, इतनी ऊंचाई पर सरकार को लेके जा रहे हैं। अल्लाह, ये जो नेकी, ये जो सवाब अल्लाह ताला ने उस रात में अबू बकर सिद्दीक को अता किया, ये बेमिसाल सवाब है। किसी को इतनी बड़ी नेकी नहीं मिली जितनी बड़ी नेकी सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने अता किया। चुनाचे वो वाकया भी सुना दूं आपको ताकि बात क्लियर हो जाए। रात का वक्त था, सरकार अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा भी हुजूर के साथ थी, आपकी निगाहें आसमान की तरफ थी, तो देखा आसमान के सितारे जगमग जगमग कर रहे हैं, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात में ही सितारे चमकते हैं, वरना चांदनी में कहां नजर आते हैं सितारे, जब चांद नजर नहीं आता जब सितारे चमकते हैं, सितारे अनगिनत सितारे चमक रहे हैं। तो बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये जितने आसमान पे तारे हैं
क्या कोई आपका ऐसा उम्मती है सरकार, उम्मती आपका कोई है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? तो हुजूर ने फौरन फरमाया, हां मेरा एक उम्मती है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। कौन खुश नसीब है उम्मती आपका सरकार, नाम बताइए। तो फरमाया उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर की नेकियां इतनी आसमान के तारों की बराबर, उमर की नेकियां हैं। देखो सरकार कितनी काउंटिंग जानते हैं, है ना, इल्मे गैब सरकार का। सर में कितने बाल हैं पूछ लूं आपसे मैं? आप कंप्यूटर चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, दुनिया भर की आप मालूमात रखते होंगे, इंजीनियर हैं आप, फिलासफर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हैं। अगर मैं पूछ लूं आपसे सर पे बाल कितने हैं बताइए, तो बता सकेंगे? ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, नहीं गिन सकते। बदन पे कितने बाल हैं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन सरकार गिनते हैं कितने तारे हैं। फिर ये भी देखते हैं सरकार कयामत तक मेरे कौन कौन उम्मती हैं, क्योंकि उम्मत का सवाल हुआ था कौन उम्मती आपका ऐसा है, तो पूरी उम्मत को देखना पड़ेगा जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। फिर उम्मतियों को भी देखना है, उम्मतियों के आमाल को देखना है, आमाल का सवाब भी देखना है। ये सारी चीजें गैब से मुताल्लिक है। इसलिए हमारे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है सरकार को अल्लाह ताला ने इल्मे गैब के खजाने अता किए हैं। लेकिन वहां भी देवबंदी तबलीगी मौदूदी अहले हदीस कादियानी जितने हैं ये सब हुजूर के इल्मे गैब को नहीं मानते, कहते गैब इल्म था ही नहीं उनको। कितने बड़े झूठे हैं ये। सरकार से पूछ रही हैं सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका कौन सा उम्मती है आपका, तो हुजूर ने फौरन नाम ले लिया कि अब उमर इब्ने खत्ताब की नेकियां हैं। तो बीबी आयशा सिद्दीका ने जब हजरत उमर का नाम सुना तो चेहरा एकदम से आपका खामोश हो गया, यानी खिलाफ तवक्को आपने नाम सुना, क्योंकि आपकी तमन्ना ये थी कि शायद सरकार मेरे बाबा जान सिद्दीक अकबर का नाम सुनाएंगे, उनका नाम लेंगे सरकार। लेकिन खिलाफ तवक्को हजरत उमर का नाम लिया हुजूर ने कि उमर की नेकियां हैं। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से मेरे आका ने फरमाया, आए आयशा क्या सोच रही हो, ये गैब का ये भी इल्म है, क्या सोच रही हो? या रसूलल्लाह मैं ये सोच रही थी मेरे अब्बा जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए, उमर तो बाद में ईमान लाए, सिद्दीक अकबर तो पहले ईमान लाए, क्या उनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर नहीं है? हुजूर ने फरमाया, ए आयशा अबू बकर की नेकियों का क्या पूछती हो, उमर फारूक की सारी नेकियां एक तरफ और हिजरत की रात में, हिजरत की रात में जब मक्के से मदीना में जा रहा था अबू बकर मेरा बोझ उठा के चल रहे थे, उस रात में अल्लाह ने जो नेकी अता फरमाई अबू बकर को वो नेकी उमर फारूक की सारी नेकियों पर भारी है। ये आलम है सरकार सिद्दीक अकबर को जो नेकी उस रात मिली है हिजरत की रात में, क्योंकि दुश्मनों का ताकुब है, दुश्मन दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, जान का खतरा है, ऐसे आलम में हुजूर के साथ हिजरत फरमाना है जबकि चौ तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब चले पहाड़ पे चढ़ गए तो एक गार आया, छोटा सा गार है, वो गारे सौर उसका नाम है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर हम इस गार में कुछ देर आराम करना चाहते हैं। देखो हालांकि गार तो और बहुत सारे थे वहां पर, लेकिन गारे सौर ही का इंतखाब क्यों, ये भी हुजूर का इल्म है। सरकार जानते हैं यहां 2000 साल से मेरा एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है, 2000 साल से, 2000 साल से मेरा इंतजार कर रहा है, यहां पर मेरा एक आशिक है इस गार के अंदर। कौन है? या रसूलल्लाह पहले मैं जाऊंगा गार में, गार को साफ कर दूं, उसके बाद आप तशरीफ ले आइए।
अपनी जान की परवाह नहीं है सिद्दीक अकबर को, हुजूर की मोहब्बत में ऐसे वारफ्ता है। अंदर गए, गार को साफ किया कपड़े से, चादर थी उसको फाड़ा, देखा सुराख थे उसके अंदर, उस पहाड़ में सुराख थे छोटे छोटे, उस सुराखों का मुंह बंद कर दिया कपड़ा फाड़ फाड़ कर, चिंदियां ठोस दी आपने, एक सुराख बच गया। कहा बाप कोई बात नहीं, एड़ी लगाकर बंद कर दूंगा, अपनी पांव लगा दूंगा यहां पर, एक ही सुराख बचा है बाकी सब तो बंद हो गए। अब जब साफ कर दिया हुजूर को फिर बुलाया अंदर, अब तशरीफ ले आए सरकार, आका अंदर तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर बैठे हैं, हुजूर ने उनकी गोद में अपना सर रखकर आराम फरमाने लगे। इसलिए उस शाख कहते हैं कि सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन की गोद और सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन की जान मुबारक, जान इसको हम लोग रान बोलते हैं, जानो मुबारक, ये जानों पर हुजूर ने सर रखा था अली के यहां पर, और सिद्दीक अकबर की गोद में हुजूर ने सर रखा आराम फरमाया। तो इधर जान मुबारक है, इधर गोद मुबारक है। तो उलमा फरमाते हैं ये अली की जान मुबारक और सिद्दीक अकबर की गोद मुबारक अर्शे अजीम से भी आला है। क्यों? अरे अर्शे अजीम तो अल्लाह का अर्श है, ये उनसे आला कैसे है? कहा सुनो, इसलिए आला है अर्शे अजीम पर हुजूर ने अपने पांव मुबारक रखे थे और यहां गोद में सर रख रहे हैं। तो पांव के मुकाबले में सर का मकाम बुलंद है ना, तो जहां हुजूर ने अपना सर रखा हो वो जगह अर्शे अजीम से भी आला इसलिए है कि वहां सरकार ने कदम रखे थे अपने, मेराज में अर्श पर कदम रखे थे हुजूर ने, और यहां गोद में सर है इसलिए अफजल है। आशिकान रसूल किस किस अंदाज से उनकी सोच काम करती है, गौर करो। हालांकि ये सब चीजें सबके बस की बात नहीं है समझना, समझने वाले ही समझते हैं, जानने वाले ही जानते हैं, हकायक और रम्स की बातों को वो जानते हैं, इसके अंदर क्या रास पोशीदा है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बातें बहुत सारी हैं, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि सरकार को 3 मील की दूरी तक सिद्दीक अकबर लेकर चले, गार में पहुंचे और सुराखों को बंद कर दिया, सरकार अंदर तशरीफ फरमा है, सिद्दीक अकबर की गोद में आका का सर मुबारक है, आंखें बंद हैं, आराम फरमा रहे हैं। दुश्मन ताकुब करते 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 गार के मुंह तक आ गए, जहां जाने का अंदर गार में रास्ता है वहां तक पहुंच गए। सिद्दीक अकबर ने अंदर से देखा दुश्मनों के कदम नजर आ रहे हैं, अंदर से दुश्मनों के पांव देखे, कदम देखे उनके। उस वक्त सिद्दीक अकबर को अंदेशा हुआ। बास राफजी लोग कहते हैं कि हुजूर के साथ तो थे लेकिन डर में थे अबू बकर, खौफ में थे क्या हो जाएगा। तो सुनो, सिद्दीक अकबर को अपना खौफ नहीं था, अपनी जान का डर नहीं था, उनको रसूल पाक की फिक्र थी कहीं दुश्मन हुजूर को तकलीफ ना पहुंचा दे, इस बात का खौफ था उन्हें, अपनी जान का नहीं। कदम नजर आ रहे हैं अंदर से, सिद्दीक अकबर उस वक्त अपना अंदेशा जाहिर किया, सरकार दुश्मन आ गए हैं अब क्या होगा। तो उस वक्त सरकार ने फरमाया, इज यकूलु लिसाहिबिही, जब फरमाया उस वक्त, याद करो वक्त को, जब फरमाया अपने साहिब से, ला तहजन, अंदेशा मत करो तुम, इन अल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो दुश्मन आए गार तक लेकिन अंदर नहीं जा सके, ये अल्लाह का इंतजाम है, अल्लाह जिसको बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता, यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। रब ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया था, ए मकड़ी तू जाला तन दे इस पर, जो रास्ता है गार में जाने का वहां पूरा जाला तन दे, जाला तान दिया उसने। कबूतरी को अल्लाह ने हुक्म दिया वहां, कबूतरी को हुक्म, अंडे रख दे, यानी अंडे पैदा कर दे वहां पर, कबूतरी ने अंडे रख दिए, जाला पूरा तन गया। वो दुश्मन आकर देखे, किसी ने कहा भी उस वक्त, हो सकता है गार में छुपे होंगे, चलो अंदर जाएंगे, क्योंकि कदमों के निशान दोनों के यहां तक मिल रहे हैं, इसके आगे नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है यही गार में होंगे।
तो उस वक्त किसी ने कहा, अरे देखता नहीं, ये मकड़ी का जाला पूरा साबित है, कबूतरी के अंडे बीच रास्ते में रहे हैं। अगर कोई आदमी इसके अंदर जाता तो जाला टूट जाता, कबूतरी के अंडे फूट जाते। कबूतरी के अंडे भी सलामत है, जाला भी सलामत है, तो मालूम है इसके अंदर कोई नहीं है, चलो यहां से वापस। अल्लाह पाक ने उन्हीं को वहां से रवाना कर दिया। ये इंतजाम है कुदरत का। अल्लाह जब किसी को बचाना चाहता है तो अल्लाह पाक ऐसे इंतजाम फरमाता, मुसब्बिबुल असबाब है। तो सिद्दीक अकबर से हुजूर ने उसको फरमाया था, ला तहजन इन्नल्लाह माना अबू बकर, तुम अंदेशा ना करो, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अबू बकर, फिक्र मत करो। अब ये तो खैर वाकया हो गया। अब अंदर जो था वो आशिक, 2000 साल से हुजूर का आशिक इंतजार कर रहा, वो कौन था? वो सांप था, जहरीला सांप। तो मालूम हुआ सरकार से हर मखलूक मोहब्बत करती है, हर मखलूक मोहब्बत करती है, सिवाय सरकश इंसानों के, सरकश जिन्नात के, और बाकी जितनी मखलूकात हैं सब हुजूर से मोहब्बत रखती है। सरकश इंसान वहाबी, सरकश इंसान देवबंदी, सरकश इंसान अहले हदस, सरकश इंसान तबलीगी, ये जितने मतलब फिरके हैं, ये हुजूर से इनको मोहब्बत नहीं है, हुजूर के सामने अकड़ते हैं ये लोग। हाँ, कहते हैं हुजूर से हम ज्यादा इल्म वाले हैं, माशाल्लाह हमारा इल्म ज्यादा है, हम बड़े हैं। अरे यहां तक लिखा इन वहाबियों ने अपनी किताब में कि उम्मती बसा औकात अमल में नबी से आगे बढ़ जाता है। इनका तसव्वुर है, ये इनकी तालीमात हैं वहाबियों की, कि नबी नबी से आगे बढ़ सकता है उम्मती। बोलो जी, तू अपने बाप से आगे नहीं बढ़ा आज तक, तू नबी से कैसे आगे बढ़ेगा? बाप बाप है, तू कितना ही बड़ा हो जा लेकिन बाप के सामने तू छोटा है। बाप बाप है, बेटा बेटा है। जब बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता, बाप के आगे नहीं जा सकता, तो उम्मती नबी से आगे ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब अल्लाह ताला किसी का दीन ले लेता है ना, तो इनकी अकल भी जाती है। अब क्या बकते हैं, क्या लिख रहे हैं, खुद उनको नहीं मालूम। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है बहुत ही निखरा हुआ अकीदा है, बहुत साफ सुथरा अकीदा है। अरे सरकार मदीना अलैहि सलाम को फरिश्तों ने तराजू में रखा, हुजूर को, हुजूर को एक पल्ले में बिठाया, एक उम्मती को इधर बिठाया, दोनों का वजन किया, सरकार का वजन ज्यादा है। फिर दस दस इंसानों को एक पल्ले में रखा, हुजूर को एक पल्ले में रखा, फिर दोनों का वजन किया तो दस पे भी सरकार भारी है। फिर सौ को बिठाया एक पल्ले में, हुजूर को बिठाया एक पल्ले में, फिर वजन किया तो हुजूर का वजन ज्यादा है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि 100,000 2,000 की बात नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को तराजू के पल्ले में रखा जाए और एक पल्ले में नबी को रखा जाए, फिर भी नबी वजनदार होंगे। नबी की तरह कौन हो सकता है जी, उनकी बराबर कौन हो सकता है? उनके उनसे आगे बढ़ने की बात तो दूर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, नबी बेमिसल बेमिसाल है, ना उनकी तरह कोई हो सकता है, ना हुआ है ना होगा, वो बेमिसल बेमिसाल है। तो अल्लाह ताला का करम है, हम अहले सुन्नत व जमात से, और अहले सुन्नत व जमात ही नजात पाने वाली जमात है, जन्नत में जाने वाली जमात है। हम अपने आका की ताजीम भी करते हैं, अपने आका से मोहब्बत भी रखते हैं। न सिर्फ आका से मोहब्बत रखते हैं बल्कि आका जिन जिन को चाहते हैं हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से फरमाया कि हबीब, हमारे आका अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, है ना, और सरकार के हबीब कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर है। अल्लाह के हबीब के भी हबीब है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक। तो वो सांप था अंदर बैठा हुआ, 2000 साल से इंतजार कर रहा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का सांप था, उसने सुन लिया था मूसा कलीमुल्ला से अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के आखिरी नबी आने वाले हैं, मक्के में तशरीफ फरमा होंगे, मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना जाएंगे, रास्ता जाने का उनका यह होगा, सब तफसीलात बता दी गई थी। तो सांप वहां 2000 साल से इंतजार कर रहा था, हुजूर आए तो मैं उनका दीदार करूं। सिद्दीक अकबर ने तो
सारे रास्ते बंद कर रखे थे आशिक के, लेकिन आशिक जार जो था वो हर रास्ते पर गया, देखा रास्ता सब बंद है, फिर वहां आया जहां पांव था, पांव लगा दिया था। उसने पहले आपके पांव को सर से ढकेला, सांप ने सर से ढकेला बाहर की तरफ, आपको मालूम हो गया सिद्दीक अकबर को कि अब अंदर कोई चीज है इसके जो बाहर निकलने बेचैन बेकरार है, अगर मैं हटा दूंगा तो सरकार को कोई तकलीफ ना पहुंचा रहे, इसलिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, सुराख पे पांव जमा कर रखे हैं, अंदर से सांप ढकेल रहा है, नहीं हटा रहे हैं। आखिरकार सांप ने देखा कि नहीं हटा रहे हैं, तो उसने आग के पांव का बोसा ले लिया, सांप ने बोसा लिया और सांप का बोसा जहर चढ़ गया, एक बार नहीं 17 मर्तबा डसा, 2000 साल पुराना सांप, जितना पुराना होता जहर भी उतना ही तेज होता उसका, चढ़ गया पूरे बदन में जहर, चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म का रंग बदल गया, पूरा नीला पीला हो गया जिस्म। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र लगी है कि जान की पांव नहीं हटा रहे हैं, इतना तकलीफ होने के बाद भी, जहर चढ़ जाने के बाद भी न चीख रहे हैं, ना चिल्ला रहे हैं, ना अपनी जान की बचाने की कोई बात कर रहे हैं, हुजूर के आराम में खलल ना हो, सरकार मेरे आराम फरमा रहे हैं, आराम करने दें, मेरी जान जाती है चली जाए, ये नजराना जान का पेश कर रहे हैं सरकार की मोहब्बत में, या माल का नजराना देने के लिए सोचता है आदमी, या जान का नजराना पेश कर रहे हैं आका की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। जब आपके चेहरे से या पसीने के कतरात थे या आंसू के, आंसू भी इसलिए निकले थे कि सरकार की फिक्र में, अब मुझे तो एक जानवर काट लिया है, अब मैं मर जाऊंगा, तो ये कहीं जानवर बाहर निकल कर कहीं हुजूर को तकलीफ ना पहुंचा दे, इस ख्याल से रोना आ गया, वो आंसू बहते बहते हुजूर के चेहरे पर टपके, सरकार के गोद में सर था ना सरकार का, ये आंसू इस तरह निकले और चेहरे पर टपके सरकार के, हुजूर ने अपनी आंखें खोली, अबू बकर क्यों रोते हो, सारा वाकया सुनाया, सुना कोई अंदर जानवर है इसके जहरीला जिसने मुझे काट दिया है, हुजूर ने फरमाया अपना पांव हटा दो, हटा दो अपना, हुजूर ने पहले अपना लुआबे दहन लिया थूक शरीफ, और सिद्दीक अकबर के पांव पे जहां सांप ने काटा था अपना थूक मुबारक वहां लगाया, जहर पूरा उतर गया, वो निशान सिद्दीक अकबर के पांव पर जिंदगी भर रहा, जहां सांप ने काटा था काला निशान वो जिंदगी भर रहा। आपकी औलाद जो पैदा हुई इस वाके के बाद उनके भी पांव पर वो निशान बाकी रहा, आज तक भी दुनिया में सिद्दीक अकबर के खानदान के जो बच्चे हैं उनके भी पांव पर वो निशान होता है। अब सिद्दीक अकबर अजल्लान को तो सांप ने काटा, हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, असर चला गया, तो अब उनकी औलाद जो पैदा हो रही है सिद्दीक अकबर अजल्लान की, सिद्दीकी खानदान होता है, उनके बच्चों के भी पांव पर वो निशान होता है सांप के काटने का, काला निशान होता है, उनकी असली होने की पहचान है। अब अगर दुनिया में आज भी किसी को सांप काट ले तो सिद्दीक अकबर के घराने में पैदा होने वाला बच्चा जो आज के जमाने में है उसके पांव का पानी धोकर सांप के काटे हुए को पिला दो, असर उतर जाएगा। ये शान सिद्दीकी है। मोहतरम दोस्तों, जान का नजराना पेश किया, नजराना कब देता है आदमी नजराना, जब किसी से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत जो ऐसा नजराना मोहब्बत में हो कि जहां जान जा रही हो, कैसी मोहब्बत है ये, वरना लोग तो मोहब्बत करते हैं, कोई कुछ गिफ्ट देता है, कुछ सामान देता है, कोई तोहफा देता है, कुछ रुपया पैसा देता है, मोहब्बत का इजहार करता है, नजराना पेश करता है, लेकिन सिद्दीक अकबर माल भी पेश किए सरकार की बारगाह में, अब यहां जान भी पेश कर रहे, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अबू बकर के माल और उनकी जान ने, उनकी जात ने जितना मुझे फायदा पहुंचाया है,
किसी ने नहीं पहुंचाया। दुनिया में जिस किसी ने मेरे साथ अच्छा सुलूक किया, मैंने उसके सुलूक का बदला दुनिया ही में दे दिया। लेकिन सिद्दीक अकबर के इतने एहसानात हैं कि इनके एहसान का बदला मैं अल्लाह ताला से कयामत के दिन दिलवाऊंगा, हश्र के मैदान में दिलाऊंगा। ये सिद्दीक अकबर की जात है। तो आज उन्हीं के विसाल की तारीख है, 22 तारीख है ना, चांद की 22 तारीख है। तो आज ही की तारीख में यार गारे मुस्तफ़ा, वफादार मुस्तफ़ा सैयद अमीर उल्मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इस दुनिया से पर्दा फरमाए। अल्लाह पाक ने अगरचे के आपका इंतकाल किसी मैदान जंग में नहीं हुआ, बल्कि आप ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, काफी बूढ़े हो गए, पहले खलीफा आप ही हैं, फिर इंतकाल फरमाया। तबई मौत तो थी ज़ाहिरन, लेकिन हकीकत में जो सांप काटा था गारे सौर में, अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो जहर का असर लौट कर आया। क्यों आया? ताकि सिद्दीक अकबर को भी शहादत का दर्जा दिया जाए। शहादत का दर्जा अल्लाह पाक देना चाहता था तो उस जहर के असर को लौटाया, उसी जहर से आपका इंतकाल हुआ। सरकार का भी वैसे ही मामला है। सरकार भी मेरे आका किसी जंग में शहीद नहीं हुए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने, यहूदी औरत ने हुजूर को गोश्त में जहर मिला कर दिया था, ये जानने के लिए अगर ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो ये जहर खाने के बाद भी जिंदा रहेंगे। हुजूर ने बोटी पकड़ी हाथ में, बोटी गोश्त की बोटी पकड़ी तो बोटी बोल रही आका मुझे मत खाइए, मुझमें जहर मिलाया गया है। सरकार हाथ लगा दे तो बेजान को बोलने का सलीका आ जाए। हुजूर ने जानबूझकर खाया, इसलिए खाया ताकि यहूदी को, यहूदन औरत को यह इत्मीनान दिला दिया जाए और यकीन हो जाए कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं और जो दीन की दावत में लेकर आया हूं वो दावत सच्ची दावत है। चुनाचे आपने जानबूझकर गोश्त खाया और असर नहीं हुआ जहर का उस वक्त, सिर्फ पसीना आया, पसीने के जरिए से जहरीले असरात खारिज कर दिए गए। जब सरकार के विसाल का वक्त करीब आया तो अल्लाह के हुक्म से वही जहर लौट कर आया जो गोश्त में मिला कर दिया गया था, उसी जहर की वजह से हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाए। अल्लाह पाक यही चाहता था कि मेरे हबीब को मैंने नबूवत भी दी है, रिसालत भी दी है और खातमुन नबीयीन का दर्जा भी दिया है, हाँ आफा व महताब बनाया है रिसालत नबूवत का, तो मेरे हबीब को मैं शहादत का दर्जा भी अता कर दूं। इसलिए ये सारे अल्लाह ताला की हिकमतें हैं जो रब ताला ने इस हिकमत की बुनियाद पर अपने हबीब को और सिद्दीक अकबर को सिर्री शहादत अता फरमाया। इंशाल्लाह बाकी मानदा जो मालूमात हैं वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। अब आखिर में आज हम आपसे अपील करते हैं कि नमाज के बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम से पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ईसाले सवाब किया जाएगा। आप हजरात सब फातिहा में शरीक रहिए और अल्लाह तौफीक दे घरों पे भी अहतमाम कर लीजिए आज फातिहा का, और इंशाल्लाह उसके बाद सलातो सलाम होगा। तो आपसे गुजारिश है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है हम सबको। अल्लाह पाक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सदाकत के सदक़े में अल्लाह पाक हम सबको सरकार का सच्चा गुलाम बनाए, हुजूर से मोहब्बत करने वाला उम्मती बनाए, सरकार की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। एक अजीम शान जलसा, जलसा सिरात मुस्तकीम सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है, जिसकी सदारत ये फ़कीर की है और खसूसी खिताब मौलाना उवैस रज़वी सल्लमहु का है। बमकाम रूबरू MIM ऑफिस यूसुफैन कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, बतारीख 3 अप्रैल बरोज़ इतवार, यानी आज तो पहली तारीख हो गई, इतवार के दिन बाद नमाज ईशा जलसा है यूसुफैन कॉलोनी, बाबा नगर के बिल्कुल अपोजिट जो महल्ला है उमर होटल के बिल्कुल अपोजिट में, वही यूसुफैन कॉलोनी है। वहाँ पर इंशाल्लाह रात में जलसा होगा ईशा के बाद, इंशाल्लाह मौलाना उवैस रज़वी भी रहेंगे, ये फ़कीर भी इंशाल्लाह हाजिर रहेगा। और 2 तारीख को हफ्ते के दिन अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बाद नमाज ईशा बी का चश्मा वट्टेपल्ली मेन रोड पर जलसा फैज़ान गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला मनाया जा रहा है। इस जलसे से इंशाअल्लाह फ़कीर खिताब की सआदत हासिल करेगा।
तो 2 तारीख को बट्टेपल्ली में आना है और 3 तारीख को यूसुफैन कॉलोनी बाबा नगर के सामने वाली बस्ती में आना है। ये ऐलानात आप महफूज रखिए, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप तमाम हजरात जो मस्जिद में मौजूद हैं, इनसे गुजारिश है कि पहले आप एतिकाफ की नीयत कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि दखलतु व नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ। इंशाअल्लाह पहले फातिहा खानी होगी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, उसके बाद दुआ होगी, फिर सलातो सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخلفاء راشده وإلى وعلى ذرياته أجمعين ربنا تقبل منا الفاتحة يا الله پاک جو کچھ قرآن پاک پڑھا گیا اور جو سنا گیا یا اللہ پڑھنے کو سننے کو قبول فرما جو غلطی خطا ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اور تبرکات کا بھی ثواب یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کو عطا فرما میرے آقا کے وسیلے سے سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ثواب عطا فرما سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی
तमाम सहाबा सहाबिया ताबईन तबे ताबईन अइमा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जमीअ औलिया किराम सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया मुस्तफ़विया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवविया के तमाम औलिया किराम मशाइख़ किराम पीरानिया किराम को तौबा अता फरमा। या अल्लाह इस नियाज़ पाक के सदक़े में इस महफिल में जितने तेरे बंदे हाजिर हैं अल्लाह इन सबको सगरना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करने का मौका और मौला तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी नसीब फरमा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, शफ़ात रसूल नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको इस्लाम पर ज़िंदगी ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह सब के हालात को सही फरमा दे, जो बीमार हैं अल्लाह शिफा अता फरमा, जो जादू टोना जिन भूत पलीत के असरात से मुतासर हैं अल्लाह उन सबको शिफा कामिला रूहानी जिस्मानी सुकून अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान गरीब हैं उनको मालदार बना और जो मालदार हैं उनकी मालदारी में और इजाफा फरमा। और जो कुछ तेरे अपने करम से तूने अता किया माल और दौलत या अल्लाह तेरी राह में से अपना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के तालीमात की रोशनी में आपके सुन्नत पर अमल करके तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमा कि हम भी अपने माल और दौलत को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में खर्च करने वाले बने। मौला ताला फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह रसूल पाक का सदका कबूल फरमा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका कबूल फरमा, सैयदना फारूक आज़म के अदल व इंसाफ का सदका दुआ कबूल फरमा, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हया और सखावत का वास्ता दुआ कबूल फरमा, सैयदना मौला अली शेर खुदा की शुजात का वास्ता दुआ कबूल फरमा, हसनैन करीमैन की सखावत व शहादत का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा, गौसे आज़म की गौसियत का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा, सरकार गरीब नवाज की खाजगियत का वास्ता दुआ कबूल फरमा, आला हजरत के इश्क़ रसूल का वास्ता दुआ कबूल फरमा, हुज़ूर मुफ्ती आज़म के तकवा और विलायत का वास्ता दुआ कबूल फरमा, बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आला विलायत के सदक़े में दुआ कबूल फरमा, शहर हैदराबाद में जितने औलिया किराम है अल्लाह इन सब औलिया किराम के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। या अल्लाह पाक हमारे अहमद मियाँ की वालदा जो बीमार है परवरदिगार उनकी वालदा को सेहत कुल्ली शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بجاه سيد المرسلين। खड़े हुए सलातो सलाम। ये तबर्रुक जाते वक्त अपने हाथ से ही आप ले लीजिए थोड़ा थोड़ा ताकि सबको मिल जाए तबर्रुक और नीचे मत गिरने दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजीदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कितने महके के हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। गौसे ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बजे में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के पौधे से कहेगा रज़ा मुस्तफ़ा, जान रहमत पे लाखों सलाम।
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والسلام علیک رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ والصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وشہداء محبتک واولیاء امتک واہل بیتک یا سیدی یا رسول اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرۃ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وعلى محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.